हर हर महादेव। ओम पूजा पाठ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सभी रुद्राभिषेक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। रुद्राभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा सरल उपाय रुद्राभिषेक माना जाता है। रुद्राभिषेक आप या पार्थिव शिवलिंग पे करें, या कोई ज्योतिर्लिंग में जाकर रुद्राभिषेक करें, या शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक करें, या गौशाला में रुद्राभिषेक करें, सबका फल अलग अलग होता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस स्थल पे और कहां रुद्राभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानते हैं रुद्राभिषेक करने से रोगों का नाश होता है। जो भी शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो रुद्राभिषेक करने से रोग की नाश होती है। आरोग्यता का वरदान महादेव प्रदान करते हैं। रुद्राभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक करने से परिवार में जो कलह हो रहा है, कलह नहीं होता है, परिवार में शांति की प्रदान होती है। रुद्राभिषेक करने से सारी व्याधि, अशांति, कलह सबका नाश होता है। अभी ऐसा मौसम आ गया है कि अकाल होता है। अकाल आप लोग समझते होंगे, जहां पर वर्षा ऋतु में बारिश ना हो, तो उस स्थल पे शुद्ध जल से अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो बारिश भी अपने टाइम पे, अपने समय पे होता है। रुद्राभिषेक करने से आपके घर के जो बच्चे हैं उनको भी सद्बुद्धि प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, उनको पढ़ने में मन लगता है। रुद्राभिषेक करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपका रोजगार दिन दुना रात चौगुना वृद्धि भी होती है। रुद्राभिषेक करने से असाध्य रोग, जैसे किडनी किसी का डॉक्टर ने बताया कि फेल हो चुका है, और चमेली का तेल से अगर रुद्राभिषेक आप करें और फिर उस चमेली का तेल उस व्यक्ति को पूरे शरीर में मालिश किया जाए तो किडनी का रोग में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। रुद्राभिषेक करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है। रुद्राभिषेक करने से अनेकों अनेक फल है। अगर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए भी, जो भी मन की कामना आप लेकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो वह अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक होता है। तो किसी उत्तम आचार्य से संपर्क करके रुद्राभिषेक के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि हमें किस चीज की फल की प्राप्ति चाहिए, तो वो ब्राह्मण देव आपको बताएंगे कि इस चीज से रुद्राभिषेक कीजिए, खड़ंग या एकादशनी, जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि किस चीज से करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ओम पूजा पाठ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवारों में इस वीडियो का अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभू।